हेलो माय लवलीज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे अपने अपने घरों में। तो ये देखिए मैं आज कहाँ से बना रही हूँ। मैं ड्राइव करने जा रही हूँ, होली आ रहा है भाई, तो उसके लिए सामान खरीदने जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ। और जैसे गाड़ी में बैठी मेरा मन खुश हो गया। यूके के मैनचेस्टर के रेडियो पे ये सुनिए कौन सा गाना बज रहा है। And Amitabh Bachchan himself singing that brilliant one, Holi Kele Raghuveera from Bagban, bringing the whole family together in that one. Happy Holi to you. It is tomorrow. ये देखिए कैसा सोसाइटी है, बताइएगा। मजा आ गया। मैं बात नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं रेडियो बंद की। तो चलिए चलते हैं और शॉपिंग आज आपके साथ करते हैं होली का, और फिर शेयर करेंगे क्या क्या शॉप किए हैं। बाय बाय। आज कितना ब्राइट वेदर है ये देखिए, मजा आ जाएगा आज। चलिए चलते हैं, आप उसके साथ मिलते हैं पहले सेंसबरीज में। बाय बाय। हम आयल में आ गए हैं, एशियन आयल में, और राइस है ये देखिए सारे ब्रांड्स का। ये देखिए ये सारा एशियन आयल है। आपको ये देख के पता चल ही चुका होगा कि अब इंडियन ग्रोसर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडियन स्टोर ही जाना पड़े। तो यहाँ सब कुछ जो ब्रिटिश स्टोर्स होते हैं, सेंसबरीज, टेस्कोज, मार्क्स स्पेंसर्स, ये सब में आपको इंडियन सामान मिलते हैं। एशियन जो गुड्स होते हैं वो आराम से मिल जाता है। तो आप देखिए कितना बड़ा बड़ा पैकेट है सब चीज़ का। 5-5 kgs का दाल का पैकेट है, जो आपको जनरली सुपर स्टोर में भी छोटे छोटे पैकेट्स रखते हैं, और ये ब्रिटिश स्टोर होकर आपको सब कुछ मिलता है। तो चलिए हो गया है सेंसबरी का काम, जल्दी जल्दी निकलते। चलिए चेकआउट करती हूँ, अभी सेल्फ चेकआउट कर रही हूँ। ये देखिए हर सुपर स्टोर में आपको ऐसे प्लांट्स मिलेगा, अच्छा लग रहा है ना। स्मार्टफोन चेकआउट भी होता है जिससे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो बस ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। चलिए निकल गए बाहर। ये देखिए कहीं भी कार पार्किंग जगह नहीं मिल रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। तो ये रहा सेंसबरीज, जो मैं आने से मैं आपको नहीं दिखाई थी। तो चलिए चलते हैं, कुछ यहाँ से ले लिए, और सेलेक्टेड स्टोर्स है जहाँ से मैं अपना शॉपिंग करती हूँ, जैसे टेस्को हुआ, सेंसबरीज हुआ, और अभी मुझे B&Q जाना है। ये देखिए हम आ गए B&Q। ये देखिए यहाँ पे आइएगा तो चारों तरफ फ्लावर्स दिखेगा आपको। ये देखिए कितना बड़ा स्टोर है, सुपर स्टोर। ये देखिए ह्यूज, ये बेस्ट है HG का मोल्ड स्प्रे। अगर मिलता हो अमेज़न पे तो यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। ये मुझे लियान हेल्प कर रहा है क्योंकि मुझे ये सब चीज़ का एकदम आइडिया नहीं है। ये देखिए गार्डन फेंस पेंट करने का एंड ऑल, एवरीथिंग इज हियर। चलिए तो चलिए जल्दी से एक आपको लुक देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए ऐसे रो बना रहता है वॉलपेपर्स का, और अब आप बस इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों के रूम के लिए। एंड स्प्रिंग आ रहा है तो यहाँ लोग काफ़ी चेंज करता है टाइम टू टाइम अपना सारा सेटअप। बहुत बड़ा स्टोर है, आपको मैं पूरा स्टोर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन चलिए शॉपिंग तो ज़रूर साथ कर सकते हैं। लाइट सेक्शन, ये गार्डन का लाइट्स है, और ये देखिए मुझे भी अरू के बेडरूम के लिए लाइट चाहिए, थोड़ा चेंज करना है। मैं जो लगाई हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो मैं सोच रही हूँ क्या लगाऊँ जो उसके रूम में काफ़ी ब्राइट लगे और क्लीनिंग में भी दिक्कत नहीं हो। सो दिस वन इज़ नाइस। सो आपको अंडर वन रूफ, यूके का एक ही ये चीज़ है, अगर आप किसी भी मार्केट चले जाइए तो आपको अंडर वन रूफ एवरीथिंग यू विल गेट। वॉल पेपर, टाइलिंग से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड, आपको हर कुछ मिल जाएगा। किचन फ्लोरिंग, बाथरूम टाइलिंग,
या फिर प्लम्बिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, कोई भी हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। सो ये देखिए मेरा मन आ गया है इस प्लांट पे। मेरा जब भी प्लांट ले जाती हूँ मर जाता है, और ये 46 पाउंड का है और मुझे ये मिल रहा है 23 पाउंड में आज। तो रुकिए मैं देखिए क्या करती हूँ। प्लांट्स देख के मन मचल जाता है लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ प्लांट्स बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखिए छोटा सा आप देख रहे होंगे लेमन का प्लांट है और ये 20 पाउंड्स का है ऑलमोस्ट। और ये देखिए, देखते हैं हर जगह सुपरमार्केट में आपको हर जगह प्लांट्स दिखेगा, देख रहे हैं। ये छोटा सा प्लांट है और ये 32 पाउंड का, ये देखिए इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। गार्डनिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव है। और ये देखिए बारबेक्यू सीज़न आ ही रहा है तो बारबेक्यू एसेसरीज भी आपको मिलने लगा। और ये देखिए ऐसे बहुत लोग बारबेक्यू सीज़न में आउटडोर फर्नीचर लगा के ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं। और ये सब डिफरेंट डिफरेंट बारबेक्यूज़ है। ये देखिए ये 210 का बारबेक्यू है लेकिन है बहुत अच्छा, गैस के साथ ऑन होता है लगता है। ये 175 का, देख रहे हैं इसमें चिकन ग्रिल करके खाया जा सकता है। ये सब छोटा है सो आई थिंक ये सब कोन वाला है। और ये देखिए ऐसे ग्रिल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं। ये देखिए दिल तो बच्चा है जी, मन नहीं माना और हम प्लांट ले चुके हैं। चलिए जब प्लांट ले ही लिए हैं तो आपको एक छोटा सा गार्डन सेंटर भी जल्दी से घुमा देते हैं। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, स्प्रिंग आ गया तो प्लांट तो आपको हर जगह दिखेगा ही दिखेगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए एग्ज़िट और निकलते हैं, और भी बहुत सारा काम है। रियल मज़ा आएगा, ये इतना बड़ा सा प्लांट और ये मेरा छोटा सा कार। सो ये देखिए अंदर जा चुका है। और चलिए भाई बस प्लांट से काम नहीं चलेगा, होली का शॉपिंग अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है। ये देखिए आ चुके हैं हम टेस्को में। ये टेस्को का बेकरी है और ये रहा मेरा शॉपिंग, स्टार्ट हो चुका है। सारे वेजिटेबल्स हैं, गोभी ले लेती हूँ, पालक ले लेती हूँ। पालक कहाँ है भाई, हरा भरा कबाब बना सकते हैं। मोनिका आ रही है, वो वेजिटेरियन है, अंशुमन वेजिटेरियन है, तो ये सारे दो वेजिटेरियन लोग, हम लोग नॉनवेज चबाने वाले लोग हैं। तो बस चलिए छोटे वाले ही टेस्को में आ गई, अब कौन बड़े वाले टेस्को में जाता। तो ये देखिए यहाँ पे योगर्ट और चीज़ ये सब मिल रही, योगर्ट है मेरे पास। सो ये देखिए चिकन वगैरह ले ली, और चलिए चिकन के शेल्फ से निकलती हूँ। और ये लेना है, ये रहा वेजिटेबल्स ऑयल का सेक्शन। सो ये देखिए प्यूरी है पूरा। और चलिए देखते हैं और क्या क्या लेना है। पास्ता ख़त्म हो गया है तो चलिए एक पास्ता भी ले लेती हूँ। जुबन बोलेगा पूरा स्टोरी खरीद के आ गई हो। ये रहा फ्रोजन सेक्शन, बेकरी सेक्शन। देख के याद आया कि अंशुमन को ये बहुत पसंद है, मेपल एंड पीकन, तो मैं ये एक ले लेती हूँ। ये देखिए चीज अपने लिए लेते हैं, बेल्जियम एंड वाइट चॉकलेट हनीकॉम कुकीज। ये ऑल बटर क्रॉसेंट्स है। और ये देखिए क्या है, आलमंड क्रॉसेंट्स है। तो ये पनीर है, आपको दिख रहा होगा ये सारा ईस्टर का है। ये देखिए कितना क्यूट क्यूट छोटा छोटा पनीर है। मेरा ट्रॉली का हालत, चॉकलेट वाले सेक्शन से निकल गए। ओ यस, अरु का सीरियल्स लेना है। देखिए कैसे कैसे दिमाग में आता है, दिमाग से ही निकल जाता है कि क्या लेना है। सीरियल्स भी बहुत तरह का है, एक हनी है तो वो स्वीट हो जाएगा, और इधर लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं
तो हमको लगता है यही वाला अरुचि खाते हैं लगता है, ले लेते हैं। भाई मेरे ट्रॉली में अब जगह ही नहीं बचा है कुछ करने को, अब निकलना चाहिए यहाँ, काफ़ी देर रह गई मैं। बिस्किट्स, इंडिया जैसा वैरायटी मुझे बिस्किट का यहाँ नहीं दिखता है। दिस इज़ नाइस, पॉक्स का कुकीज़, चाय के साथ मज़ा आएगा पीने में, मीठा ऑफ पे डबल मीठा। क्रिस्प ली ही नहीं हूँ, क्रिस्प के सेक्शन में आ गई, कौन सा लूँ मैं यही सोच रही हूँ। सो आज पहली बार लगता है आप हमारे साथ शॉपिंग पे चल रहे होंगे, बोल रहे होंगे चलो भाई घर जल्दी ले चलो। चलिए बेक्ड लेके देखा जाए, इसमें 50% लेस फैट है और सी सॉल्ट के साथ, लेट्स सी कैसा है। सो चलिए, लेट हो रहा है, बच्चों को देख के मज़ा कर रहे हैं चॉकलेट के सेक्शन में ते हैं। ये हमारा सामान जा रहा है और अब हम इसे पैक करते हैं और अब निकल रहे हैं वापस टेस्को से। ये देखिए गुड बाय भी बोल रहा है। मस्त वेदर है आज, ये शॉपिंग करने वाला वेदर नहीं है, बीच पे जाने वाला वेदर है। बट हाँ, ग्रोसरी भी शॉप करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो घर के बुद्धू वापस घर पे आ गए, निकालिए सब सामान। ओ माय, घर पहुंच गए, बहुत सारा काम है, आपसे फिर मिलते हैं। पहले जो अपलोड किए थे उसको डाउनलोड करते हैं और ये देखिए क्या हाल हो गया है शॉपिंग करते करते। ये देखिए ला के सामान रख चुके हैं, आते किचन में लग गए हैं, बना रहे हैं आज कढ़ी और चावल, ऊपर फोरन और ये करी लीफ जो होता है वो डाली हूँ और ये रहा टमाटोज। तो ये ये डाल दिए, बस कढ़ी तैयार होगा और चावल बन चुका है। ये देखिए चावल बन चुका है और ये फटाफट अनियन काट ली, पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। ये देखें मस्त करी बन रहा है। आज शाम में एक आंटी के यहाँ भी जाना है, उसको भी साथ ले चलेंगे। आज बहुत बिजी गया है मेरा दिन। ये घर तुम्हारे लिए लेके आया, ये इतना बड़ा हो गया है कि अंडा अंडा ही रहता है, अंडा खा रहा है, ईस्टर एग। ये रहा पकौड़ा रेडी, अब जाएगा ये मस्त फ्राई होने। ये रहा पकौड़ा मस्त फ्राई हो रहा है। ये सोच रहे मैं ये ब्यूटी क्वीन क्यों बनी हुई हूँ। चलती हूँ, तैयार होंगी, शाम में मुझे जाना है किसी के यहाँ, तो मैं साथ लेके चलती हूँ आपको। बाय बाय, बस रेडी हो गई और बस अब जा रही हूँ आंटी के यहाँ, तो चलिए मेरे साथ। और मस्त परफ्यूम लगा रही हूँ मैं, ये वाला लगाई हूँ, देखिए ऐसे दिखेगा आपको, ह्यूगो बॉस का काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। तो चलिए फिर मिलते हैं आंटी के यहाँ, चलिए मेरे साथ, दोनों अंकल आंटी डॉक्टर हैं। तो चलिए अब जा रही हूँ आंटी के यहाँ, तो मिलते हैं वहाँ। ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ आज, मैं प्रॉपर समर फील कर रही हूँ, समरी काफ़ी अच्छा। तो यहाँ स्प्रिंग आ चुका है और ईस्टर आने वाला है, तो चलिए मिलते हैं आंटी के यहाँ। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज जो अभी न्यू सब्सक्राइबर हुए हैं, काफ़ी इधर 25-26 मोर सब्सक्राइबर्स ज्वाइन किए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द वीडियो एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स। मैं हमेशा वेट करती हूँ डालने के बाद वीडियो कि आपका कमेंट्स आएगा। सी यू। पहन के थक गई थी तो आज मैं न्यू सैंडल अपना मज़ा ले रही हूँ समर का। सो हम लोग ब्रामहॉल पहुँच चुके हैं, देखिएगा यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा घर है। ब्रामहॉल काफ़ी अच्छा जगह है, चारों तरफ फ्लावर्स की, चर्च कितना अच्छा है यहाँ का, बहुत सुंदर है यार। हाँ अभी एग्जाम कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है अरु का, अब बहुत सारा चीज बनाई है, दो चीज बनाई है उसके साथ चटनी आम का। हेलो हेलो क्या बनाई आज स्पेशल बताइए पहले। छोले, अच्छे चने छोले, ओह वाओ चाट, आज मजा आएगा। अच्छे अच्छे, उनका लड़का भी ना खेलता है। ये पकौड़ा बना रही है,
हाँ जी डॉक्टर साहब कहते हैं पनीर के पकौड़े। अच्छा चालू करोगे फिर ये? आज बनाई आंटी अचार? अभी बनाई। मुंह में पानी आ रहा है आपको देख देख के। मस्त वीडियो ले रही है। मस्त अचार है। ये ना दिल्ली में छोले भटूरे देते हैं ना। ये आंटी का सेकंड किचन है और आंटी जब कुछ फ्राई करवाती है तो देखिए ये हमारे देसी स्टाइल में बन रहा है और ये हमारी बहुत अच्छा बना रही है। अब ये आपका हो नहीं है झार? हाँ जी। झार क्यों नहीं लिया आपने? इसी से आप कर लेती हैं क्या? अच्छा टेस्टिंग ओके। हाउ इज मिस्टर जग? इज फाइन। से हेलो टू हिम। इज ही कमिंग? ओके दैट्स गुड। उसका बहुत शौक है ये देखें। देखिए कितना बड़ा किचन है। ये अलग किचन है। बहुत अच्छी जगह। यूएस बॉर्डर पे। हाँ, लिवर है। एक साइड पे विंसन है, दूसरी साइड में डेट्रॉइट है। एंड इट इज नॉट टू मच, बड़ी लिवर नहीं है। ये आंटी का एंट्रेंस है जहाँ पे आंटी गणपति जी रखी हुई हैं। आंटी का एंट्रेंस और है। ये रहा आंटी का डाइनिंग एरिया। ये रहा आंटी का। तो मैं जब ये फोटो ले रही थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी नीचे का ही एरिया दिखाना स्टार्ट किए और बैठ के आंटी के साथ फूड रेलिश किए। जब तक आंटी ले गई अपना पूरा बेडरूम ये सब अभी चेंज करवाई हैं। सोची कि मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोग के लिए तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। चलिए मज़ा लीजिए। बहुत शौक से सब कुछ बनाई थी, इतने सलीके से घर रखी थी। पकौड़े टेबल का ले लेते। हाँ ले। एक स्माइल दीजिए। हाँ जी स्माइल करो, इधर देखो। वेलकम होम। थैंक यू आंटी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत दिनों बाद। नहीं आंटी से पूछ लिए हम, बोले आंटी लेट है। हम लोग को ना सुबह में अनु का क्या होता है, क्रिकेट रहता है तो उसका क्या चल रहा है अभी? लाइक क्रिकेट था सीरियसली। गुड मॉर्निंग माई लवलीज वंस अगेन। कल मैं गई थी पार्टी में, आपको तो पता ही है अंकल आंटी के यहाँ गई थी और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जब तक कर रही थी और डाइनिंग टेबल पे बैठ के जब डिनर लगा तो मैं सोची कि अब कुछ फोटोग्राफ्स ले लिया जाए। तो देखी कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है। तो मैं सोची कि कम से कम इतना बता दूँ, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा उन लोग अरेंजमेंट किया हुआ था और इतने प्यार से उन्होंने बुलाया। और एक होता है ना एल्डरली पीपल में, उन लोग कितने अच्छे से प्यार शो करता है। आजकल इतने रश का समय है कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। तो बोले चलिए और अब मैं निकल रही हूँ वर्क पे। ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा किचन थोड़ा एक्सक्यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत क्लीन नहीं है। अच्छे मैं ब्रेकफास्ट क्या करके जाती हूँ आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये मेरा ब्रेकफास्ट है, बाजरा। सो बाजरा, वो बाजरा और मैं ये। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, निकलते हैं तो बहुत लेट हो जाएगा वर्क के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय लवलीज। आई रियली अप्रिशिएट व्हेन यू लीव द कमेंट। और चलिए फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए हमेशा की तरह। लव यू ऑल माय लवलीज, बाय बाय एंड हैप्पी होली टू यू ऑल जो आज मना रहे हो होली।